झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विरंची नारायण समेत बीजेपी के 3 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए जाने पर हैरानी जताते हुए बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने लाइव 7 से बातचीत करते हुए कहा कि सदन में हम युवाओं का आवाज उठा रहे थे, नियोजन पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, क्या जनहित से जुड़े मामले पर सवाल पूछना गुनाह है? देखिए, ना नियोजन नीति बन पाई, ना स्थानीय नीति बन पाई, इन मुद्दों को भाजपा ने एजेंडा बनाया। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन इन्हीं मुद्दों को लेकर सदन के अंदर भाजपा विधायकों ने गठबंधन सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। फिर क्या हुआ, भाजपा के विधायक विरंची नारायण और भानु प्रताप शाही को निलंबित कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ विरंची नारायण मौजूद हैं। सदन आखिरकार चल क्यों नहीं रहा है सर, आप लोगों को निलंबित कर दिया जाता है? देखिए, आप मीडिया दीर्घा में मौजूद थे मित्र जी, आप बताइए कि क्या मैंने कोई असंसदीय आचरण किया? मैंने कोई चप्पल जूता चलाया? मैंने कोई लाठी डंडा चलाया? मैंने माइक तोड़ी? मैंने कोई बिल की कॉपी फाड़ी? हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि कार्यस्थगन हमने लाया झारखंड के नौजवानों के हित में। आप माननीय अध्यक्ष जी कार्यस्थगन पढ़ दें, तो कार्यस्थगन नहीं पढ़ के उन्होंने मार्शल आउट करा दिया। तो झारखंड के जो नौजवान हैं उनके हित में एक बार क्या, अगर 50 बार भी मार्शल आउट होना पड़ेगा तो 50 बार होगा, लेकिन हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। और इस सरकार, इस गूंगी बहरी सरकार को साफ साफ कहना चाहता हूँ, और विधानसभा अध्यक्ष जी को भी साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आप अध्यक्ष सर्वसम्मत अध्यक्ष हैं, आपको हमने भी अध्यक्ष बनाया, आप एक आँख में काजल और दूसरे आँख में सुरमा करेंगे ये अच्छी बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री के सारे पर आप सदन चलाएंगे तो इससे पहले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएँ। आप न्याय के आसन पर बैठकर अन्याय कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जब भी सदन चलता है जनता का पैसा लगता है, विपक्ष में आप लोग अभी हैं, सत्ता पक्ष आरोप लगाते हैं, आप देखिए ना कि मैंने क्या अन्याय किया। मैं तो मांग कर रहा हूँ यार, ये चलाइए ना, कि मैंने तो कहा कि आप पढ़ दीजिए, हम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि झारखंड के नौजवान को ऐसे ही छोड़ दें जो सड़क पर बिचारे। सर अंतिम सवाल, 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल है 4 वर्षों का, उनका पूरा होने वाला है, विरंची नारायण 4 वर्षों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? एकदम थर्ड क्लास, बिना किसी क्लास का कार्यकाल। 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ काट के गहरी खाई में तब्दील हो गए ये लोग, पता नहीं इतना अकूत संपत्ति अर्जित किया, इनको लग रहा है कि जाऊंगा तो ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि जब ऊपर जाएगा कोई भी ना तो कफन में कोई जेब नहीं होती है। 500 करोड़ रुपए एक एक कांग्रेसी सांसद के यहाँ पकड़ा रहा है, अगर इन लोगों के यहाँ पता नहीं 5,000 करोड़ 10-10, 20-20 कितना पकड़ाएगा मालूम नहीं है। एकदम बंडल और बकवास सरकार, बेकार सरकार, हर मुद्दे पर विफल सरकार, फेल सरकार। यानी 2024 में भाजपा आ रही है 100% 2/3 प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के विधायक विरंची नारायण, जिन्हें सदन से आज निलंबित किया गया, और यही कारण बना कि भाजपा विधायकों ने वहां से वॉकआउट किया। लाइव 7 के लिए दीपक के साथ विशाल भारद्वाज।